हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, अर्शी खान वही अपना अली गोनी फिर कहती सॉरी अली गोनी में से गलती हो गई है, ये है वो। कह रहा नहीं, गलती वो होती है कि तुम सोच समझ के गलती करी है तुमने। तुमने कहा ऐसे था, तू पहले हमें बता देती कि भाई राहुल को नहीं करना, तुमने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो तब जुबान 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 क्या कर रही थी। अगर ये नहीं, अब गलती होगी ना तो छोड़ो बात। कहता नहीं भैया, जब हमारे यहाँ पे आपने मतलब मैंने दोस्ती ऐसे नहीं बनाई है, दोस्ती बनाता हूँ मैं दिल से बनाता हूँ, नहीं तो फिर तोड़ता हूँ। तो भैया देखेंगे, अभी मेरा अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि तेरा फॉरगॉट करने के लिए, तो ठीक है बाद में देखेंगे इस बारे में। बिग बॉस, इतने बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने बोला भी ऐसा है कि भाई कोई साइड में जेब दिखा हुआ था वे भी, उसने कहा भी चार सदस्य वो हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं और चार सदस्य ऐसे हैं जो घर से बाहर गए थे और उनको फिर मौका मिला घर के अंदर वापस आने के लिए। तो भाई अब तुमने ये डिसाइड करना है आपसी सहमति से कि भाई चार सदस्य भाई कोई कई कह रहे हैं भी डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, तो तुम ने बताना है कि डिजर्व करते कि नहीं करते। इनमें से कोई दो सदस्य चुनने हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, फिर उनको जेल में डाल देना है। अब विकास गुप्ता घर का कैप्टन है इसलिए वो इस प्रक्रिया में शामिल हो नहीं सकता, तो इसलिए बाकी तीन सदस्य रह गए। अब तीन सदस्य थे वो अपना राहुल वैद्य, अली गोनी और अपना निक्की। अब इन्हें इन तीनों में डिसाइड करना है कि कौन से दो सदस्य हैं जो जेल में जाने लायक हैं। सबसे पहले रुबीना शुरू होती है। रुबीना बोलती है मेरे हिसाब से राहुल वैद्य नहीं है। वो कहता है ये ऐसे नहीं है। राहुल वैद्य शुरू होता भी अपना कहता है तुमने जब मैंने अपनी मर्जी से किया था बिग बॉस, अब मैंने अपना मर्जी जताई कि मुझे वापस आना है। बिग बॉस ने कहा ठीक है, तुम लोगों ने सबने बोला हाँ भी इसको अंदर आने दो, जब तुमने कहा अंदर आने दो भाई उससे मना करते ना, अब क्यों कर रहे हो कि भी नहीं आना चाहिए, ये वो नहीं है। तो राहुल वैद्य थोड़ा यहाँ पे हल्का सा जैसे बोला, बट फिर वही बहसबाजी के चक्कर में शुरू हो गई। यहाँ से इजाज खान ने शुरू कर दिया, तो रुबीना और इजाज खान की बहसबाजी शुरू हो गई। अभिनव बीच में कूद पड़ा। अभिनव आज सबसे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अभिनव कूदा हो बीच में, पर अभिनव आज स्टैंड लेने लगा हुआ कि नहीं जी ये है वो है फलाना ठिकाना है, क्योंकि वो राहुल वैद्य की बात थी इसलिए अभिनव स्टैंड ले रहा था। अदरवाइज जसमीन भी रुबीना की इतनी बढ़िया करती है तो कभी अभिनव ने स्टैंड नहीं लिया, अब आज स्टैंड ले रहा था वहां पे। जो उसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो गई लड़ाई झगड़े के बाद। अब फैसले करते करते यहाँ पे चली तो भाई ये करेंगे वो करेंगे, इसको निकालते हैं उसको निकालते हैं, तो कोई भी बिकॉज ने बोला ठीक है कोई फैसला तो देना ही है तुमने तो तुम फैसला लो। भी कोई फैसला हुआ नहीं था, सबके अपने अलग अलग रीजन थे। कोई कुछ बता रहा था जैसे जस्टिन बता रही थी, कोई कुछ बता रहा राखी जावा ने बड़े सही रीजन बताए कि भाई तुम सारे थे बाहर गए थे, तुमने ये किया तुमने वो लब लपटा करा ये करा वो करा, वो अपना सारे कमेटी के हिसाब से बता रही थी। अब यहाँ पे जब रीजन दिए जा रहे थे तो निक्की कहती है मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज इसके अंदर जेल के अंदर ये है वो है फलाना ठिकाना है। तो पता नहीं क्या हुआ विकास गुप्ता और इजाज खान के बीच में हल्की सी जगह बहसबाजी हो रही थी। विकास यहाँ पे विकास गुप्ता ने कहा तुमने क्या बोला था तेरे अब्बा को मैं जेल भेजना चाहता हूँ बस, और मेरे अब्बा का नाम मत लेना ये नहीं। वहाँ पे इजाज खान ऐसे फटा चीजें तोड़नी शुरू कर दी, अपना जो अपना वो था अपना कहते हैं विकास गुप्ता के पैर में चोट भी लग गई, बट वो जिसे कहते हैं इतनी बदतमीजी तू ये है वो है मैंने नहीं कुछ करा था, उस लड़की के नाम मैंने नहीं लिया था, उसको मैंने कुछ नहीं भड़काया था। कह रहा अरे मैंने सिर्फ ये बोला था कि भाई ये हो सकता है कि विकास गुप्ता था दोस्त था लड़की का जिसके हो सकता है ये भेजा होगा। तो यहाँ पे वो जो प्ले प्राण चक्कर था लड़की का जो इजाज खान को पता था कि भाई अपना कि भाई उसको डोरी का केस था उसके ऊपर, वो उस चक्कर में सोच रहा था कि चक्कर अच्छी खासी से कहते हैं दोनों की बहसबाजी हो गई। विकास गुप्ता यहाँ पे अर्शी को समझा रहा था भाई मेरा वो जो मेरा फ्रेंड था जो एक गर्लफ्रेंड थी इसकी वो मेरी ओल्ड फ्रेंड थी, तो मेरा भी उससे अच्छा रिलेशन हो गया था, तो मेरा उसके बाद में उसको मिला नहीं कुछ नहीं हुआ, बाद में भाई उनका कोई सीन सान क्रिएट हो गया केस जैसा चक्कर था, तो इसने सोचा कि मैंने कराया ये है वो है। अर्शी का समझा थी भाई वो एहसास है मुझे कल भी बोल रहा था कि जब भी विकास गुप्ता आया था तो मुझे लगा था तो मैंने से बात क्लियर करी थी, बट मुझे उसके बाद ये नहीं लगा कि ये चीज़ विकास गुप्ता ने करी है। और यही इजाज खान समझा रहा था अपना कि भाई वो ऐसा था कि भी चक्कर में कि मुझे लड़की ने मुझे डोरी मेरे फादर मेरे पे डोरी का केस करने लगी थी, तो मुझे लगा भी ये विकास गुप्ता ने किया था, बट मैंने जब आया था तो मैंने बात करी थी पर ये क्लियर हो गया था। तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह बहस दोनों के बीच में शुरू हो गई। इतने बिग बॉस थोड़ी देर फिर इंटर कर गया भाई तुमने आपसी सहमति बताया नहीं मेरे को, तो विकास गुप्ता तुम बताइए। विकास गुप्ता कैप्टन है क्या कहता है सर ऐसा कि आपसी सहमति तो बन नहीं पाई है तो क्या किया जाए। वो कह रहा भी ऐसा ठीक है करते हैं इस टास्क को यहीं पर रद्द कर देते हैं, तो अली गोनी बड़ा खुश होता है कह रहा है रद्द करने वाला ये नहीं है कि तुम्हें दंड नहीं दिया जाएगा, आप जो दंड पहले दो सदस्य थे अब तीनों को तीनों दंड दिया जाएगा, अब तीनों जेल में जाएंगे और जेल के अंदर दो ही एंटर करेंगे पर बारी बारी चेंज करते रहेंगे, पर एंट्री दंड तुम तीनों को इकट्ठा मिलेगा। बस दंड मिल चुका था। निक्की तो बोली मैं तो जेल नहीं जाऊंगी, मुझे तो जेल से डर लगता है, मैं छोटी सी जगह नहीं बैठ सकती, मुझे फोबिया है ये है वो है, मैं तो जेल नहीं जाऊंगी। यहाँ राहुल वैद्य भी कहता है बिग बॉस ठीक है जेल से दंड दे दिया पर मुझे कमीशन हुई बताओ मैं अपनी एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। तो राहुल वैद्य कोई बिग बॉस नहीं बुलाता है, तो निक्की तो बोली चाय मैं करती रहती है थोड़ी देर, जब नहीं जा रहा कोई जेल में जाता नहीं है
बड़ी देर होती है, विकास को समझ समझाता रहता है कि भाई तुम जेल में जाओ, जेल में तो राहुल रहते भी नहीं आ रहे तैयार होता, और वहां से निक्की जाने को तैयार नहीं हो रही होती। इतने बिग बॉस में कहता है विकास गुप्ता ऐसा भी, और बाकी जो सदस्य को दंड मिला है, तुम्हें 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तुम्हें जेल के अंदर जाना है और पक्का जाना है, अगर तुम नहीं जाते तो इससे भी ज्यादा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। बस जब गंभीर परिणाम भुगतना तो यहाँ पर विकास गुप्ता समझा समझो के इनके अंदर जेल में डाल देता है। अब जेल में बारी बारी चेंज होते रहते हैं, कभी अरिगुनी बाहर आ जाता है, कभी निक्की अंदर जेल रहती है, बस चेंजिंग चलती रहती है, बातें करती रहती है। निक्की अब होता है शरारती है, निक्की जब एक विकास गुप्ता का होता है फटोट जेल से बाहर निकल आती है, खागुरी होती हाथ उधर नहीं ले आता है, विकास गुप्ता फिर से उधर घुसाता है, वो फिर रोड में से तोड़ के बाहर आ जाती है, उसे गोद में उठा के ले जाता है, उसमें कोई डालता है, तो ये निक्की शरारतें करती रहती है, बार बार जेल से बाहर आती रहती है। अब कुकड़ू जैसे ही बसता है भाई, सब देखते कौन सोए, तो विकास गुप्ता ही सोए होते हैं, वो कह रहे हैं कैप्टन सोया हुआ है, सब जरा शोर जाते हैं, अरे कैप्टन सो गया, अरे कैप्टन तो बहुत रिस्पॉन्सिबल था, ये है वो है, विकास गुप्ता, अरे नहीं मेरी दिवी ठीक नहीं, अरे नहीं कैप्टन सो गया, अर्शी देखो कैप्टन सोया हुआ है, अर्शी देखो कैप्टन सोया हुआ है, ये कैप्टन तो कुकड़ू को कहता है कैप्टनसी के लिए जो विकास गुप्ता ही सोया होता है। अब यहाँ पे अर्शी खान को राहुल ने कहता है हाँ भाई भाई बहुत बढ़िया कैप्टन है, बहुत जिम्मेदार कैप्टन है, बहुत अच्छी कैप्टन संभाल सकता है ये, तो नहीं तुमने बड़ी यही चीज कहा था ना कि राहुल वैद्य अच्छा कैप्टन है इसलिए मैं इसे चुन रही हूँ, कह रही नहीं, वो कह रहा अरे नहीं देख लिया तेरा सब कुछ, तो राहुल वैद्य फिर अपना वहां पर निकाल लेता है, जो तुमने बढ़िया कैप्टन चुना था जो जिसे कहती थी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद ही सोया हुआ है, वो खुद ही रूल्स तोड़ रहा है सारे के सारे। तो यहाँ पे अर्शी खान को फिर सुनने को मिल जाता है राहुल वैद्य से कि भाई तुमने जो रीजन दिया था वो ठीक नहीं दिया था, सीधा बोलती ना कि मैंने अपने दोस्त को बाहर निकाल उसको बाहर निकाला था तो मैं उसे सॉरी फील कर रहा था, ये रीजन क्यों दिया कि राहुल वैद्य से अच्छा था कैप्टन, तो यहाँ पे अर्शी खान को फिर सुनने को मिल जाता है इस पॉइंट के ऊपर। बिग बॉस, अब बिग बॉस को दोबारा इकट्ठा कर लेता है, बिग बॉस कहता है भाई ऐसा है कि क्रिसमस है तो मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये है वो है, तो वर्ल्ड में सभी बनाया जाता है, तो कह रहा भाई क्रिसमस के अंदर भी हर सेंटा क्लॉस आता है तो हर एक को गिफ्ट देता है, तो हमारे यहाँ पे पोस्टमैन है, पोस्टमैन की बहुत है, वो भी मेरे लेटर्स लेके जाया करते थे, तो घर पे आ जाएगी टास्क कराया जाएगा पोस्टमैन का टास्क, एक एक सदस्य के नाम लिए जाएंगे, वो सदस्य भेजेंगे बाहर साइकिल सर्विस सेव जाता रहेगा, और उसके किसी सदस्य के घर के वहां से लेटर दिए जाएंगे और किसी को दिए जाएंगे। अब इनमें से जो इनको दंड दिया गया था, इनकी दंड की अवधि भी खत्म होती है, बट इन्होंने बीच में काफी रूल्स तोड़े हैं, तो भाई अली को, रॉयल राहुल वैद्य को और अपना निक्की को इस टास्क से बाहर रखा जाता है, इनकी घर की चिट्ठियां तो नहीं दी जाएंगी, इन्होंने रूल्स बहुत तोड़े हैं। तो निक्की बोल पड़ती है बिग बॉस और विकास गुप्ता को भी दो ना, विकास गुप्ता ने अच्छी कैपेसिटी नहीं करी जो मैं ध्यान नहीं रखा, तो बिग बॉस बोलते हाँ भाई ठीक है विकास गुप्ता ने भी कैपेसिटी अच्छी नहीं करी, उन्होंने इनका ध्यान रखा तो विकास भी इस टास्क से बाहर रहेगा। अब विकास गुप्ता तुम पहले बताओ जो सबसे पहला सदस्य जाएगा पोस्टमैन बनने के लिए वो कौन जाएगा, जो सबसे पहले सदस्य पोस्टमैन बना वो बोला इजाज खान। तो बस थोड़ी देर बाद वो बेल बज गई, अब इजाज खान को किसी को लेटर देना था, इजाज खान ने सबसे पहले लेटर दिया जैस्मिन को, जैस्मिन की मम्मी पापा का लेटर आया था, पढ़ के बड़ी इमोशनल हो गई, इजाज खान को थैंक यू बोला उसने, तो इजाज खान ने कोशिश करी जैस्मिन से अपनी जो पहले बॉन्डिंग थी उसको ठीक करने की। इस तरह बारी बारी सबका नाम लेते रहा, एक एक करके जाता रहा, लेटर्स आते रहे, कभी एक उसका राखी उसका अभिनव का भी आया, फिर अपना इजाज खान का भी लेटर मिला, फिर अपना रुबीना का भी लेटर मिला, तो ये बस पढ़ते रहे और अपना अपना इमोशन होते रहे। एंड में रुबीना गई साइकिल के ऊपर, उसने सबसे पहले राखी को लेटर दिया, बाकी सबको भी बांट दिए, बिग बॉस ने कहा लेटर सबको एक को बांटना, बाकी से वापस ले लो, तो वापस ले लेती है, राखी को लेटर मिल जाता है, राखी के हस्बैंड का लेटर होता है, पढ़ती है राखी बड़ी इमोशनल होती है, उसको लव लेटर से कह रही कि मुझे तुम लेटर भेजा बहुत बहुत थैंक यू, ये है वो है, तो मेरे को मिल भी लो, अपना टाइम भी निकालो कुछ मिलने के लिए। तो यहीं पर कल बिग बॉस खत्म हो गया दोस्तों, ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा वीकेंड का वार, सलमान भाई आएंगे तो वाट तो लगनी है। राहुल वैद्य एक बात से हमेशा इरिटेट हो रहा है कि भाई सारे घरों से बोलते रहते हैं कि भाई तू भाग गया था, बीच में भाग गया था, फिर तू ये आया ये आया, तो राहुल वैद्य यही चीज कन्वेंशन में आगे बिग बॉस क्लियर लगा था कि बिग बॉस भैया ये इन सबको बोलोगे बंद करेंगे जो भाग गया बोलते रहते हैं। तो सलमान भाई भी इस पॉइंट को लेकर बैठे हुए थे, भाई तू भाग ही तो गया था, कह रहा नहीं सलमान भाई ऐसे बोलते हैं मुझे अच्छा लगता, भाग गया था, कह रहा और क्या किया तुमने, और क्या करता तुम्हें, तू गेम छोड़ के भागा ही था ना, तो ये वो राहुल जी बोलता है अरे मेरे सामने मत बोल, ऐसे मत बोलो मेरे सामने, तो भाग ही गया था। तो राहुल कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं क्लास यहाँ पे सलमान भाई आज ले लेंगे। दूसरा दोस्तों, संडे को सलमान भाई का जन्मदिन है 27 दिसंबर का, तो यहाँ पे क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाएगा और वीकेंड के और सलमान भाई का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। रवीना टंडन से तो उन्होंने सबसे पहली पिक्चर आई थी, रवीना टंडन भी आएगी उसके सलमान भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैकलीन फर्नांडिस आएगी और अपनी शहनाज गिल तो पक्का आएगी, शहनाज गिल आगे सलमान साहब वही मजे करेगी और सलमान का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस से बोलेंगे, तब तक सत श्री अकाल, कोविड हुआ दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।